गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 37 तक फिनिश कर लिया था। आई होप आपने भी बुक में कर लिया होगा। लास्ट में मैंने आपसे कहा था ये चिक्स को इनके एग से मैच करना है और ये फ्लावर्स को ट्रेस करके कलर करना था। तो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। पेज नंबर 38 आज से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो इसमें क्या है कि जस्ट ये आपके पढ़ने के लिए है, आपकी रीडिंग के लिए, तो आपको रीड करना आना चाहिए। आपको ये रीड करना है तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ पहले, और फिर आप खुद से रीड करिएगा इसको। मदर हैन एंड द चिक्स, तो एक ये छोटा सा स्टोरी भी कह सकते हो इसे, या छोटा सा पोयम है जिसमें जैसे जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे वैसे आपको करना है। तो जो हैन है वो बोलती है कम टू मी चिक्स आई वॉन्ट यू हेयर। कम टू मी चिक्स आई वॉन्ट यू हेयर का मतलब है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ चाहती हूँ। देन चिक्स बोलते हैं वॉट डू यू वॉन्ट मदर, तो चिक्स कहते हैं कि मम्मी आपको क्या चाहिए। तो हैन बोलती है, हैन बोल रही है अब लुक एट मी डू वॉट आई डू। हैन कहती है कि मेरी तरफ देखो और वो करो जो मैं कर रही हूँ। डाउन एंड अप, अप एंड डाउन, डाउन एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार ऊपर एक बार नीचे। यानी कि ये आप फोटो में भी देख रहे होंगे, हैन जो है देखो अपने नेक को ऊपर नीचे कर रही है। तो आपको भी इसी तरह से ऊपर नीचे करना है, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो आपको एक्ट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो दूसरा चिक है ये बोलता है मदर मदर आई कैन डू व्हाट यू डू, मम्मी मम्मी मैं वो कर सकता हूँ जो तुम कर रही हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। डाउन एंड अप, अप एंड डाउन, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। तो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ते पढ़ते ये आपकी फन पार्ट के लिए है कि आप अप एंड डाउन आपको अपना नेक करना है। देन जब एक और चिक आ जाता है वो कहता है लुक एट मी चिक्स डू व्हाट आई डू, मेरी तरफ देखो चिक्स और वो करो जो मैं कर रहा हूँ। अप डाउन, तो वो करके बता रहा है अप डाउन। इतने में क्या होता है, ओ ओ ये देखो फोटो में दिख रहा होगा कि ये जो चिक था, ये ब्राउन कलर वाला चिक जो था, वो पानी में गिर जाता है। तो बाकी के चिक्स जो है देखो भागते हुए जा रहे हैं और बोलते हैं मदर मदर द वॉटर द वॉटर, मम्मी मम्मी पानी पानी, पर्सी इज डाउन डाउन इन द वॉटर, पर्सी जो है वो पानी में गिर गया है। तो मदर आती है, मदर हैन आती है, वो कहती है ओ पर्सी, तो वो कहती है ओ पर्सी ये तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसको इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये रीड करना है और इसमें ये बताया कि किसके क्या सेंटेंसेस हैं। तो बस ये आपकी रीडिंग के लिए है, आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, रीडिंग आपको इसकी आनी चाहिए अच्छे से। तो बस आपको ये रीड करके देखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, और बाकी जितना काम तो यहाँ से पेज नंबर 39, पेज नंबर 38 और 39 आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है इसको कैसे पढ़ना है, और आप भी पढ़िएगा। और अप एंड डाउन जहाँ भी आएगा वहाँ आपको ऐसे अपना नेक जो है, नेक की एक्सरसाइज करनी है, अप एंड डाउन करना है आपको। तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 3 जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस आप ये वाली स्टोरी की, ये जो 2 पेज हैं इनकी रीडिंग करिएगा, बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।